रेफरेंस पैडम काश आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा ऐसी फोटोज़ मिलती है जिससे आप एकदम से 3D लुक में देखते हैं और आप यह सोचते हैं कि मैं भी अपनी फोटोज़ को 3D लुक में अपने फेसबुक अकाउंट पे जो कि अपलोड करूं। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी फोटोज़ को 3D लुक में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लुक दिखता है। तो ऐसे में आप इस तरह की फोटो कैसे क्रिएट करने वाले हैं तो आज इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आज का और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपने फेसबुक में 3D फोटो जो कि 360 डिग्री की फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपनी फोटोज़ को जो कि 3D में अपलोड करना चाहते हैं तो आपकी फोटो जो कि पोर्ट्रेट मोड में होनी चाहिए, जो कि आपका बैकग्राउंड जो होता है फोटोज़ में वो आपका ब्लर होना चाहिए। अगर नहीं भी तो डरिए नहीं, 100% आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोटो बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर रखते हैं तो ज़्यादातर फोटो आपकी अच्छी आती है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको करना क्या, आपको अपना फेसबुक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला आपकी जो फोटो होगी वो पोर्ट्रेट मोड में हो जो कि बैकग्राउंड ब्लर हो तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो अब गाइस आपको करना क्या, यहाँ से आपको यहाँ से कुछ लिखिए का ऑप्शन मिलता है ना, या आपको बॉक्स मिलता है इसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स ऑनली मी जो कि कुछ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से मैं अपना फोटो वीडियोस वाला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देख सकते हैं तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद हमारी गैलरी ओपन होगी। गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ से हमें अपनी एक फोटो जो कि सेलेक्ट कर लेना है। बस यहाँ से मैं अपनी एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये फोटो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो कि डिफरेंट है, ब्लर है भी और नहीं भी कह लीजिए, क्योंकि फोटो थोड़ी सी जो कि अच्छी नहीं है और ये फोटो मैंने फेसबुक से ही डाउनलोड की थी क्योंकि अभी मेरे पास वर्तमान में कोई अच्छी फोटो नहीं है। तो इस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखोगे इसमें कुछ कर रहा हूँ, ये फोटो नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना, जैसे आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से आपको 3D वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें क्लिक कर लेना। इसमें क्लिक करने के बाद जैसे इसमें क्लिक किया मैंने, अब देखोगे इस मेरा फोटो कुछ इस तरह दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, जो कि ये बैकग्राउंड मेरा जो कि मैं मूव कर रहा हूँ, देखो गाइस मेरा बैकग्राउंड जो कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार खुद अपने मोबाइल पर ट्राई कर लेना, आपको रियल में दिख जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं अब दूसरी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड जो कि उतना अच्छा पोर्ट्रेट में नहीं होगा। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया, इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद 3D पे क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा लोड होगा और लोड होने के बाद अब देखो गाइस ये फोटो कुछ इस तरह है, आप देख सकते होंगे। अब यहाँ से मैं इसे इस तरह स्वाइप कर रहा हूँ तो मेरा जो फोटोज़ है गाइस वो मेरा जो बैकग्राउंड है पूरी तरह से स्वाइप हो रहा है जैसे जैसा मैं ले रहा हूँ ऊपर। ये देखो गाइस, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो अच्छे से, तो आप एक बार खुद ट्राई कर लेना, आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, आप पोस्ट पर क्लिक कर दो और ये फोटो आपकी पोस्ट हो जाएगी। देखो गाइस ये फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं स्वाइप कर रहा हूँ, यहाँ से हमारा बैकग्राउंड पूरी तरह से अच्छा दिख रहा है। कर दो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।